एक ऐसा बंदा जो व्हाइट होना चाहता है उसको क्या फार्मूला रिकमेंड करेंगे? हमारे मुल्क में क्रेज है व्हाइट होने का। इंजेक्शन का ये फायदा है कि जो भी कलर होगा फुल बॉडी का एक ही कलर होगा। मार्केट में महंगी से महंगी जो क्रीमें होती हैं ब्यूटी पार्लर पे लोगों ने अपनी क्रीमें बनाई होती हैं, बहुत सारे कुछ डॉक्टर भी हैं उन्होंने भी अपनी क्रीमें बनाई हुई हैं, हमारी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके वाले से आपका क्या मौका? पहले जो काला स्याह है उस पर जितने मर्जी आप इंजेक्शन लगा लें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ज्यादा तो नहीं आ सकती। वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फारूक साहब के पास जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हमारी सोसाइटी में इस वक्त फार्मूलाज जो क्रीम है मार्केट में अवेलेबल होती है उनके वाले से अगर हम बात करें कॉस्मेटिक के हवाले से, और सबसे ज्यादा हमारे चेहरे पे बहुत सारे ऐसे गैर जरूरी बाल होते हैं हम उनको नीट एंड क्लीन करवाने के लिए डॉक्टर से रजू करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे जहन में पाए जाते हैं जो कि हमारे जहन में उनके जवाब लेने के लिए हम डॉक्टर की क्लिनिक तक जाते हैं। इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स रिटायर्ड डॉक्टर, 20 साल तजर्बा रखते हैं स्किन के हवाले से, बैंकॉक से इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ स्किन के हवाले से। इनसे बात करेंगे स्किन की वो तमाम तर टिप्स जो आपके जहन में हैं और हम लोग जानना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं कि हमारी सोसाइटीज में हमारे मार्केट में जो अवेलेबल जो फार्मूलाज जो क्रीम है उनके हवाले से बताएं कि उनके इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं जो हमारी सेहत के लिए हमारे जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दें। पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क में जो है ना एक क्रेज है वाइट होने का, इस क्रेज को कैश करवाने के लिए काफी सब स्टैंडर्ड चीजें आ गई हैं मार्केट में। अब उसी वजह से आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी मनियारी वाले के पास चले जाएं, पार्लर पे चले जाएं, हर पार्लर वाले ने अपनी क्रीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर पे चले जहाँ शेल्फ के शेल्फ मुख्तलिफ नामों से भरे हुए हैं, ये सब जो क्रीमें होती हैं इनमें जो मेन इंग्रेडिएंट वो डालते हैं स्टीरॉयड डालते हैं फॉर वाइटनिंग, और स्टीरॉयड के अलावा बाकी जो डालते हैं वो मरकरी डालते हैं। मरकरी होता है वो पारा जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो ये दो एज ए वाइटनिंग के एजेंट ये यूज़ करते हैं। बाकी भी हर किसी ने अपने टोटके बीच में डाले हो, किसी ने वाइटामिन ई डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, तो लेकिन जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये दो चीज़ें करती हैं। मरकरी जो है ये स्लो पॉइजनिंग करता, स्लो एब्जॉर्ब होता है स्किन में से, और इसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट सुने तो आप लगाना छोड़ दें। ये किडनी पर असर करता है, ये आपके कुव्वत याददाश्त पर असर करता है, तो लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि भी पेशेंट को नहीं महसूस होता, सालों पे ये कवर करता है। इसके अलावा जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स जो हैं वो वक्ती तौर पे तो कोई असर करते हैं वाइडनिंग का, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी जल्द पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से आपके जो चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आप धूप में जाएंगे तो आपका चेहरा धूप बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा आपके चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये जो ख्वातीन लगाती हैं उनमें एडिक्शन हो जाती है, अगर आप दो दिन क्रीम ना लगाएं वो पेशेंट कहता है जी साढ़ा तक गए तो मुंह खराब हो गया। मार्केट में महंगी से महंगी जो क्रीमें होती हैं ब्यूटी पार्लर पे लोगों ने अपनी क्रीमें बनाई होती हैं, बहुत सारे कुछ डॉक्टर भी हैं उन्होंने भी अपनी क्रीमें बनाई हुई हैं, उनका ये कहना है कि हमारी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके वाले से आपका क्या मौका? सब झूठ है, सब झूठ है। ये जो सब बनाने वाले हैं अनक्वालिफाइड बंदे हैं, कम अज कम अगर उनको फार्मूलों का तो पता है तो क्वालिफाइड बंदे को नहीं पता होगा, वो उससे ज़्यादा बेहतर जानता है। तो ये एक मार्केटिंग है कि भाई करने के लिए कि भाई हमें ज़्यादा पता है टोटकों का। ये तो एक सिंपल सी एक जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होगा उसको भी पता होगा कि एक अंडर मैट्रिक या अनपढ़ किस्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा स्किन को जानते हैं या एक क्वालिफाइड बंदा जानता है। एक ऐसा बंदा जो वाइट होना चाहता है उसको क्या फार्मूला रिकमेंड करेंगे? वाइटनिंग के लिए ना काफ़ी चीज़ें आई हुई, फॉर एग्जाम्पल वाइटनिंग इंजेक्शन आ गए हैं, वाइटनिंग पिल्स आ गई हैं, तो इस तरह आपने स्किन को की केयर करनी है। पहली तो बात यह है जो जेनेटिकली आपको कलर मिला है वही रहना है, ओरिजिनल तो वही आना है। आप आर्टिफिशियल मेथड से जो मर्जी कर लें, महीने दो महीने चार महीने के लिए तो थोड़ा बहुत वाइटनिंग होगी, लेकिन जब आप छोड़ेंगे या एट द एंड ये वो साइड इफेक्ट के वजह से छोड़ना पड़ेगा तो आपका कलर तो वही ओरिजिनल ही आना है। बाकी स्किन को ज्यादा जो डैमेज, एक तो ये वाइटनिंग क्रीमों ये तो हम अपने हाथों से खुद खराब करते हैं, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आप देहातों में रहते हैं, आप गरीब आदमी हैं, नई महंगी महंगी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जो है वाइट क्लोथ है। तो मेरी ओपिनियन तो ये है कि आप अपनी जो नेचुरल अल्लाह ताला ने स्किन दी उसको भी प्रोटेक्ट कर लें तो बड़ी बात है।
आपके मेडिकल करियर में सबसे ज्यादा जो पेशेंट रेशियो है वो किस किस्म के पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होते रहे हैं? हमारे पास ना आउटडोर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ सीजन के हिसाब से बीमारियां भी चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप गर्मियों का सीजन आ गया, स्किन में गर्मियों के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, बैक्टीरियल हो जाती हैं, फंगल हो जाती हैं। इन इन्फेक्शंस के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो टेम्परेचर की, टेम्परेचर यहाँ 47-48 तक चलता है, तो दूसरी ह्यूमिडिटी होती है। ये मई जून में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। तो आगे फिर मानसून का मौसम आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, वो फंगल इन्फेक्शंस को बहुत प्रमोट करती है। बैक्टीरियल तो होती ही होती हैं, साथ फंगल की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह गर्मियों के सीज़न में स्किन इन्फेक्शंस ज़्यादा होती हैं, सर्दियों के सीज़न में सोरायसिस आया, स्केबीज आया, तो ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इंजेक्शन कैप्सूल के इस्तेमाल से कितना कलर वाइट हो जाता है? पहली बात तो ये है कि भाई ये एक मिसकंसेप्शन है, ग्लूटाथायोन जो है ओरल इफेक्टिव ही नहीं होता, ये जब मैदे में जाएगा ICL इसको डीनेचर कर देगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों ने बनाई हुई हैं, क्योंकि पब्लिक डिमांड भी कंपनियाँ देखती हैं कि भाई वाइटनिंग के लिए, जिस तरह वाइटनिंग के लिए ये सब स्टैंडर्ड क्रीमें बनी हुई हैं, इसी तरह फिर कंपनियों ने भी टैबलेट बना दी, हालांकि थ्रेटिकली ओरल का कोई रिजल्ट नहीं। तो बाकी रहा गया इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल ग्लूटाथान इंजेक्शंस हैं, वो असर करते हैं, उनको भी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं, कईयों में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, कईयों में बिल्कुल नहीं होता, फिर कईयों में होते हैं दरमियाने, फिर ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्किन वाला इंजेक्शन लगवा रहा है। जो पहले ही वाइट है उस पर जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, पहले जो काला स्याह है उस पर जितने मर्जी आप इंजेक्शन लगा लें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं आ सकती। पहली बात, दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, हालांकि हम भी लगाते हैं, पब्लिक डिमांड पे लगाते हैं, लेकिन मेरी आदत, मैं पहले दिन ही पेशेंट को कह देता हूँ कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, आपका 2-4 महीने कलर ठीक होगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता वक्त के साथ है, आपका जेनेटिकली जो कलर है वही आना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, आप अगर क्रीमें लगा के मुंह चिट्टा कर लें, हाथ पांव काले हैं, तो इंजेक्शन का ये फ़ायदा है कि जो भी कलर होगा फुल बॉडी का एक ही कलर होगा, तो ये होता है। ये फिर इंजेक्शन बेसिकली तो उन लोगों के लिए या बेचारी बच्चियों के लिए जो के रिश्ते वगैरह नहीं होते कलर की वजह से, या कोई और ऐसे प्रॉब्लम होते हैं घरेलू या कम्प्लेक्स में होती हैं कि मेरा कलर नहीं अच्छा। सब एक ऐसी फीमेल जो 18 साल से कम या 18 साल से ज़्यादा उसकी एज होती है, जब वो अपनी जवानी को परवान चढ़ रही होती, तो उसको अपने कलर की फिक्र पड़ जाती है और अपने दाने वगैरह एक्ने को कवर करने के लिए, आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कि कौन सा ट्रीटमेंट को वो चूज़ करें? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको चेहरे पर एक्सेसिवली कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आपने 18 साल एज कही है, 19-20 साल, इसमें तो नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला ने इतनी दी होती, हर चीज़ स्किन अपनी फुल ब्लोन होती है, तो आप बेहतर है बस सिर्फ सनब्लॉक यूज़ कर लिया करें, वो जब जाना हो। अगर आप घर में ही रहते हैं तो कोई नहीं ऐसा कोई मसला, तो अगर आपका कोई आउटडोर वर्कर हैं आप या स्कूल कॉलेज जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज़ कर लिया करें, वो अच्छी हैं। माशरे के अंदर कहा जाता है, कॉन्सेप्ट है कि एलोवेरा का इस्तेमाल है, उसके इस्तेमाल से बेनिफिट होते हैं, चेहरा आपका क्लीन हो जाता है, मुलायम हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या मौका? मुलायम तो हो सकता है लेकिन और तो कोई उसका इफेक्ट नहीं है कोई सच, लेकिन उसके बारे में जो तासर दिया जाता है वो इंतहाई गलत है। हाँ बस काफ़ी सारे मिथ्स बने हुए हैं इसी तरह, ये जिस तरह ये क्रीमों वाला ने बनाए हुए हैं। बच्चों को जो 18 साल की जवानी में आ रहे होते हैं, जवानी के प्रमाण चढ़ रहे होते हैं, उनके चेहरे पे दाने निकल आते हैं, वो दाने निकलने की क्या वजूहत? ये इसके जो वजूहत, पहले तो ये है कि 9-11% पेशेंट में ना ये दाने निकलते हैं 12-13 साल की एज से 25 की एज तक निकलते हैं, एक्नी इसको कहते हैं या जवानी के दाने कह देते हैं, तो ये नॉर्मली निकलते, लेकिन ज़रूरी नहीं 10-12 साल निकलते रहें। ये भी होता कि किसी को साल निकले, 6 माह निकले ठीक हो जाएंगे, खुद भी ठीक हो जाएंगे,
हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं जवानी की वजह से, उसकी वजह से चेहरे पे स्पेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं बाज़ लोगों में, जिनकी ख़ास तौर पे आईली स्किन हो तो उनमें ज़्यादा निकलते हैं। डॉक्टर साहब, आपके जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं जिसमें पिज़्ज़ा जो आजकल जो फास्ट फूड है, इनकी वजह से भी आपकी स्किन तबाह हो जाती है? ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये है कि भाई जो स्पाइसी चीज़ें वगैरह हैं या इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है। एक्ने भी सीवियर हो जाती बाज़ लोगों में चॉकलेट्स वगैरह फास्ट फूड इनसे। अगर आपको एक्ने निकल रही है, पिंपल्स निकल रहे हैं, वो हो जाते हैं ज़्यादा। फिर सीजनल वेरिएशन भी होता है, गर्मियों में ये दाने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पसीना आता है, ये जो पोर्स हैं ये प्लग जो ब्लॉक होते हैं तो फिर वो सिक्रीशन इकट्ठी शुरू होने जाते। सर्दियों में वैसे भी ज़रा बेहतर हो जाते हैं एक्ने। आप पब्लिक को क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर वो अपनी स्किन को नरम मुलायम रखना चाहते हैं और कॉस्मेटिक जो फार्मूला स्क्रीम से बचना चाहते हैं, तो आप उनको ऐसा फार्मूला रिकमेंड कर दें जिससे अपनी, बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे वो कोई देसी टोटका कर रहे होते हैं कोई भी व्हाटएवर, तो उसका आपके वाले से कौन सा ऐसा टोटका है या फार्मूला आपको रिकमेंड करें कि जिससे उनकी गर्मी में जल्द उनकी मुलायम और नरम रहे और ये बाकी जो एक्नीज इनसे उनकी बचत रहे? सब मेरा तो ओपिनियन ये है कि कम से कम केमिकल्स फेस पे यूज़ करें, सादा पानी से चेहरा धो लें या दिन में 2-3 बार अच्छे साबुन से चेहरा धो लिया करें तो उससे भी काफ़ी बेहतर होता है। सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, तो एज में तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, आप अच्छे साबुन से चेहरा 2-3 बार धो लिया करें, धूप से बचें तो 20, 22, 25 इसमें तो बॉडी के अपने सारे सिस्टम बड़े फुल पीक पे होते हैं। नादरीन, जैसा कि डॉक्टर फरूक अहमद जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और अपनी पूरी लाइफ जो इसी स्किन में पेशेंट, इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो फीमेल मेल हैं जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने अपने कलर को बेहतर बनाने के लिए, और इस वक्त मार्केट में मौजूद जो कैप्सूल जो इंजेक्शन होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्किन की वो तमाम तरह डिजीज़ के बारे में डॉक्टर से बात डिटेल से आपने सुनी, लेकिन उससे आप अगर उनको आप फॉलो करते हैं या आप उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो आप भी जो मार्केट में मौजूद जो फार्मूलास करीमन से बच सकते हैं। अपने मेहमानों मेरा बलिको दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए प्रोग्राम के साथ, अल्लाह ने के बाद।